पहला बाब हैकल की तामीर नौ के लिए खुदावन का हुक्म। दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की पहली तारीख को यहूदा के नाजिम जुरबाबल बिन सयालती एल और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सिदक को हज्जी नबी की मार्फत खुदावन का कलाम पहुंचा कि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि ये लोग कहते हैं अभी खुदावंद के घर की तामीर का वक्त नहीं आया। तब खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि क्या तुम्हारे लिए मुसक्कफ घरों में रहने का वक्त है जबकि ये घर वीरान पड़ा है। और अब रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि तुम अपनी रविश पर गौर करो, तुमने बहुत सा बोया पर थोड़ा काटा, तुम खाते हो पर आसूदा नहीं होते, तुम पीते हो पर प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो पर गर्म नहीं होते, और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करता है। रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि अपनी रविश पर गौर करो, पहाड़ों से लकड़ी लाकर ये घर तामीर करो और मैं इससे खुश होऊंगा और मेरी तमजीद होगी। खुदावंद फरमाता है तुमने बहुत की उम्मीद रखी और देखो थोड़ा मिला, और जब तुम उसे अपने घर में लाए तो मैंने उसे उड़ा दिया। रब्बुल अफवाज फरमाता है क्यों? इसलिए कि मेरा घर वीरान है और तुम में से हर एक अपने घर को दौड़ा चला जाता है, इसलिए न आसमान से औस गिरती है और न जमीन अपना हासिल देती है, और मैंने खुश्क साली को तलब किया कि मुल्क और पहाड़ों पर और अनाज और नई मैं और तेल और जमीन की सब पैदावार पर और इंसान और हैवान पर और हाथ की सारी मेहनत पर आए। हैकल की तामीर नौ के लिए खुदावन का हुक्म। तब जुरुबाबल बिन सियालती एल और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक और लोगों का सब बकिया खुदावंद अपने खुदा के कलाम और उसके भेजे हुए हज्जी नबी की बातों के शिनवा हुए और लोग खुदावंद के हजूर तरसा हुए। तब खुदावंद के पैगंबर हज्जी ने खुदावंद का पैगाम उन लोगों को सुनाया कि खुदावंद फरमाता है मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर खुदावंद ने यहूदा के नाजिम जुरुबाबल बिन सियालती एल की और सरदार काहिन यशवा बिन यहू सदक की और लोगों के बकिये की रूह को तरगीब दी। पस वो आकर रब्बुल अफवाज अपने खुदा के घर की तामीर में मशगूल हुए। और ये वाकया दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे बरस के छठे महीने की 24वीं तारीख का है। दूसरा बाब नई हैकल की शानो शौकत। सातवें महीने की 21वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि यहूदा के नाजिम जुरबाबल बिन सियालती एल सरदार काहिन यशवा बिन यहू सिदक और लोगों के बकिये से यूं कह कि तुम में से किसने इस हैकल की पहली रौनक को देखा और अब कैसी दिखाई देती है? क्या ये तुम्हारी नजर में नाचीज नहीं है? लेकिन ऐ जुरबाबल हौसला रख, खुदावंद फरमाता है, और ऐ सरदार काहिन यशवा बिन यहू सिदक हौसला रख, और ऐ मुल्क के सब लोगों हौसला रखो, खुदावंद फरमाता है, और काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। रब्बुल अफवाज फरमाता है मिस्र से निकलते वक्त मैंने तुमसे जो अहद किया था उसके मुताबिक मेरी वो रूह तुम्हारे साथ रहती है, हिम्मत ना हारो, क्योंकि रब्बुल अफवाज यूं फरमाता है कि मैं थोड़ी देर में फिर एक बार आसमान और जमीन और बहरुबर को हिला दूंगा, मैं सब कौमों को हिला दूंगा और उनकी मरगूब चीजें आएंगी और मैं इस घर को जलाल से मामूर करूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है चांदी मेरी है और सोना मेरा है। रब्बुल अफवाज फरमाता है इस पिछले घर की रौनक पहले घर की रौनक से ज्यादा होगी। रब्बुल अफवाज फरमाता है और मैं इस मकान में सलामती बख्शूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। नबी काहिनों से मशवरा करता है। और दारा बादशाह की सल्तनत के दूसरे साल के नवे महीने की 24वीं तारीख को
खुदावंद का कलाम हज्जी नबी की मार्फत पहुंचा कि रब्बुल अफवाद यूं फरमाता है कि शरीयत की बाबत काहिनों से दरियाफ्त कर कि अगर कोई पाक गोश्त को अपने लिबास के दामन में लिए जाता हो और उसका दामन रोटी या दाल या मैं या तेल या किसी तरह के खाने की चीज को छू जाए तो क्या वो चीज पाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, हरगिज नहीं। फिर हज्जी ने पूछा कि अगर कोई किसी मुर्दे को छूने से नापाक हो गया हो और उनमें से किसी चीज को छुए तो क्या वो चीज नापाक हो जाएगी? काहिनों ने जवाब दिया, जरूर नापाक हो जाएगी। फिर हज्जी ने कहा, खुदावंद फरमाता है, मेरी नजर में इन लोगों और इस कौम और इनके अमाल का यही हाल है और जो कुछ इस जगह गुजरानते हैं नापाक है। खुदावंद बरकत का वादा करता है। बस अब और आइंदा को उस वक्त का ख्याल रखो जबकि अभी खुदावंद की हैकल का पत्थर पर पत्थर ना रखा गया था। उस तमाम जमाने में जब कोई 20 पैमानों की आस रखता तो 10 ही मिलते थे और जब कोई मैं के हौस से 50 पैमाने निकालने जाता तो 20 ही निकलते थे। और मैंने तुमको तुम्हारे सब कामों में बादे समूम और गिरोई और औलों से मारा पर तुम मेरी तरफ रजू न लाए, खुदावंद फरमाता है। अब और आइंदा इसका ख्याल रखो, आज खुदावंद की हैकल की बुनियाद के डाले जाने यानी 9वें महीने की 24वीं तारीख से इसका ख्याल रखो। क्या इस वक्त बीज खत्ते में है? अभी तो ताक और इंजीर और अनार और जैतून में फल नहीं लगा। आज ही से मैं तुमको बरकत दूंगा। ज़रुब्बाबल के साथ खुदावंद का वादा। फिर इसी महीने की 24वीं तारीख को खुदावंद का कलाम हज्जी नबी पर नाजिल हुआ कि यहूदा के नाजम ज़रुब्बाबल से कह दे कि मैं आसमान और जमीन को हिलाऊंगा और सल्तनतों के तख्त उलट दूंगा और कौमों की सल्तनतों की तवानाई नेस्त कर दूंगा और रथों को सवारों समेत उलट दूंगा और घोड़े और उनके सवार गिर जाएंगे और हर शख्स अपने भाई की तलवार से कत्ल होगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, ऐ मेरे खादिम ज़रुब्बाबल बिन सियालतियेल, उसी रोज मैं तुझे लूंगा, खुदावंद फरमाता है, और नगीन ठहराऊंगा क्योंकि मैंने तुझे बरगुजीदा किया है, रब्बुल अफवाज फरमाता है।